क्या पढ़ा था वी स्टडी कंपोनेंट्स ऑफ एयर ठीक है मैंने आपको बोला था एयर जो है इसमें सिर्फ ऑक्सीजन गैस नहीं होती है इसमें नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और भी कुछ गैसेस होती है ठीक है फिर मैंने बोला इन एडिशन टू गैसेस इसमें वाटर वेपर्स पोल्यूटेंट्स डस्ट पार्टिकल्स भी होती है ठीक है तो ये जो गैसेज है दे फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ लेयर अराउंड द अर्थ

एयर की जो हवा की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर एज यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे मैंने अर्थ बनाई है ठीक है इसके इर्द गिर्द ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स है इट रिप्रेजेंट्स एटमॉस्फेयर ठीक है सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर इज नथिंग इट इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ गैसेज विच फॉर्म लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ ठीक है क्लियर ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे ये थिक होती है ठीक है अर्थ के नज़दीक जो एयर है यहाँ पे एटमॉस्फेयर इज थिक

लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्राम हार्मफुल अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन सन आपको पता है सन जो है इट कंटिन्यूसली रिलीज़ सन लाइट ठीक है सन लाइट हमें सन से मिलती है इन एडिशन टू सन लाइट इट आल्सो रिलीजिज एम हार्मफुल रेज ये जो सन है ये कुछ हार्मफुल रेडिएशनस रिलीज करता है कंटिन्यूसली जिनको हम बोलते हैं यू वी रेज ठीक है अल्ट्रा वॉयट रेज जिनको हम बोलते हैं ठीक है थीके? आप लोगों ने यह नाम सुना होगा आजकल जो सनस्क्रीन हम लगाते हैं उसमें यू वी फिल्टर्स होते हैं ठीक है अल्ट्रा वायलेट जिनको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आती है ठीक है अगर ये डायरेक्टली ज़मीन पे पहुँचेगी ठीक है तो क्या होगा तब क्या होगा तब ये बहुत इंज्यस से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग्स उनमें स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं ठीक है तो अबाउट नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट ऑफ अल्ट्रा रेज इज़ ब्लॉकड बाई दिस एनवला ठीक है इस एनवलप इस एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है जो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे ठीक है वही इस अल्ट्रावाट रेज को ब्लॉक करती है नेवर अलाउज टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ ठीक है सो वट एटमासफियर डज एटमासफियर प्रोटेक्ट्स अस फ्राम हार्मफुल अल्ट्रा वोलेट रेज फिर आप बोलोगे फिर हम क्यों सनस्क्रीन लगाते हैं कुछ माइन्यूट रेज जहाँ पे हमारी एक्टिव ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी की वजह से इसमें जो लेयर होती है जो हम आगे पढ़ेंगे उस उसको हम ओजोन बोलते हैं उसी ओजोन लेयर में क्या होता है उसमें कुछ छेद हो गए हैं कुछ पोर्स हो गए हैं जिनकी वजह से जो ये अल्ट्रावलट रेज अर्थ पे पहुंचती है ठीक है इसीलिए हम सनस्क्रीन लगाते हैं उसमें यूवी ब्लॉकर्स होते हैं यू फिल्टर्स होते हैं ठीक है वह हागे आपको अच्छे से समझ आएगा इस टाइम आप सिर्फ याद रखो एटमोसफेयर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लॉकिंग रेज इन प्रोटेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्राम दिस हार्मफुल अल्ट्राइलेट रेडिएशन ठीक है दिस इज फर्स्ट इम्पॉटेंस ऑफ एटमासफियर सेकेंड इम्पॉटेंस क्या है इसकी जो गैसेज की, गैसे की इंपॉर्टेंस है जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी लेक्चर में आज हम वो फिर से रिपीट करेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक ऑक्सीजन ऑक्सीजन हेल्प्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ ऑक्सीजन के बगैर बिल्कुल भी जिंदगी नामुमकिन है ठीक है नंबर सेकेंड ये जो ऑक्सीजन है इट हेल्प्स इन बर्निंग अगर हम एयर में ऑक्सीजन एक्सक्लूड करेंगे बर्निंग विल नेवर टेक प्लेस ठीक है तो ये दो इंपॉर्टेंट्स है ऑक्सीजन की अब बात करेंगे नाइट्रोजन की नाइट्रोजन मैंने बोला ये इट ऑक्यूपाई सेवेंटी एट परसेंट ऑफ गैसेस एनवलप नाइट्रोजन गैस जो है ये सबसे ज्यादा अमाउंट यह ना ऑक्यूपाई करती है सबसे ज्यादा कंसनट्रेशन जो एयर में है वो किसका है नाइट्रोजन का सेवनटी एट परसेंट ऑक्सीजन का क्या है ट्वेंटी वन परसेंट अब ये जो नाइट्रोजन गैस है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इट कीप्स द बर्निंग अंडर कंट्रोल ठीक है बर्निंग जो है उसको कंट्रोल में कौन रखता है नाइट्रोजन गैस अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होगी अ स्मॉल फायर विल बी अनकंट्रोलेबल ठीक है ये इसकी इंपॉर्टेंस है अब कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मैंने बोला था कंसंट्रेशन जीरो पॉइंट या परसेंटेज जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट तो कम होती है इसकी परसेंटेज इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ठीक है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट हेल्पस इन फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है नंबर सेकेंड इट हेल्पस इन मेंटेनिंग द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अर्थ ठीक है अर्थ पे जो टेम्परेचर है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ उसको कौन मेंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट ट्रैप सनज हीट सनज़ हीट को ये ट्रैप करता है इट डजन एलो द हीट टू गेट रेडिएटेड बैक ठीक है वापस जाने से ये इसको रोकता है हीट को सो इट ट्रैप्स हीट दे बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑन अर्थ अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कम हो जाएगा माइनस पे पहुंच जाएगा जिसपे लाइफ पॉसिबल नहीं है सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर आई मीन इट ब्लॉक्स अल्ट्रावर्लट रेज फिर हमने ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो इंपॉर्टेंस है वही इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमासफेयर में भी आएगी ठीक है सो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी टॉपिक यू पीपल हैव एन्जॉयड दिस लेक्चर टुमारो वी विल स्टडी द लेयर्स ऑफ एटमासफेयर इस एटमासफेयर में कौन कौन सी लेयर होती है ठीक है वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह थैंक यू